माइसेल्फ किरण चौधरी। आज हमारा नया टॉपिक होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेशन से रिलेटेड आज हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखो, हमारा जो ह्यूमन डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसको हम 5 स्टेप में पढ़ते हैं। सबसे पहली जो हमारी स्टेप होती है वो होती है इनगेशन, यानी कि अंतर्ग्रहण। भोजन को हम क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। इसके बाद में हमारी जो सेकंड स्टेप आती है वो क्या आती है, डाइजेशन, यानी कि क्या किया जाता है, भोजन का पाचन किया जाता है। और भोजन का पाचन कौन करेगा, पाचन तंत्र के विभिन्न भाग करेंगे जो अभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद की जो टर्म आती है कि भोजन का पाचन हो गया, पाचन होने के बाद में क्या किया जाता है, भोजन का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होगा यानी अवशोषण किया जाता है। अवशोषण के बाद में क्या किया जाता है, भोजन का एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण। एसिमिलेशन स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे ही भोजन का अवशोषण होता है, अवशोषण का काम कौन करेगा, छोटी आंत और बड़ी आंत। जैसे ही अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद में जो ऊर्जा बन रही है उस ऊर्जा को उपयोग में लेना, विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं उनको करने में ऊर्जा को उपयोग में लेना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। जैसे ही स्वांगीकरण होगा उसके बाद में जो उत्सर्जी पदार्थ होंगे उन उत्सर्जी पदार्थों को बॉडी से बाहर क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्रेट कर दिया जाएगा। तो ये 5 स्टेप्स के अंदर हम किसको कंप्लीट करेंगे, हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो देखो कैसे पढ़ेंगे। देखो, इनगेशन अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है, भोजन को अंदर लेना। जैसे ही भोजन को मुख में लिया जाता है, भोजन का क्या स्टार्ट हो जाता है, पाचन। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भोजन का पाचन पाचन तंत्र के कौन से भाग से शुरू होता है, तो हमारा आंसर क्या आता है, मुख या फिर माउथ केविटी। देखो, माउथ केविटी में 2 प्रकार से पाचन होता है। अगर अपन बात करें, जो फर्स्ट बात करेंगे हम, ये होता है यांत्रिक पाचन। फर्स्ट कौन सा होगा, यांत्रिक पाचन। और सेकंड रूप में हम बात करेंगे तो वो कौन सा होगा, रासायनिक पाचन यानी कि केमिकल डाइजेशन। रासायनिक पाचन जिसको हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल डाइजेशन। देखो, ये दोनों प्रकार के पाचन कहाँ चलते हैं, माउथ केविटी में। दोनों प्रकार से ही भोजन को डाइजेस्ट किया जाता है माउथ केविटी में। फर्स्ट होगा यांत्रिक पाचन और सेकंड कौन सा होगा अपना, रासायनिक पाचन यानी कि केमिकल डाइजेशन। अब हम बात करेंगे कि यांत्रिक जो पाचन होता है और रासायनिक जो पाचन होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, यांत्रिक पाचन का मतलब होता है भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। यांत्रिक पाचन क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। और रासायनिक पाचन के अंदर किसकी बात करेंगे हम, लार स्लाइवा की बात करेंगे, कि स्लाइवा के जो कुछ एंजाइम्स हैं वो भोजन को डाइजेस्ट करेंगे और किस में चेंज कर देंगे, बोलस में। तो देखो, यांत्रिक पाचन के लिए हमारे माउथ में, हमारे मुख में 2 प्रकार के ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। एक होता है टिथ, जिसको हम क्या बोलेंगे, दांत। और एक कौन काम करता है, जीभ यानी कि टंग। अब देखो, दांत का काम क्या होता है, भोजन को, जैसे आप भोजन को अंतर्ग्रहण करेंगे, इनगेशन करेंगे, तो भोजन को काटने का काम कौन करेगा, दांत। और जीभ का काम क्या होता है, टंग का काम क्या होता है, भोजन का टेस्ट बताना कि मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, नमकीन यानी कि साल्टी टेस्ट है। इन टेस्ट के बारे में कौन बताता है, जीभ बताता है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे टिथ की। देखो, ह्यूमन के अंदर 4 प्रकार के टिथ प्रेजेंट होते हैं, 4 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं आप याद रखेंगे, आई सी पी एम से। आई का मीन्स होता है इंसाइजर, यानी कि इनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, कृतक। सी का मीन्स होता है केनाइन, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेदनक। पी का मीन्स होता है प्रीमोलर, और प्रीमोलर को हम क्या बोलते हैं, अग्रचूर्णक। और एम का मीन्स होता है यहां पे मोलर, और मोलर को क्या बोला जाता है, चूर्णक। देखो, मानव में अलग अलग प्रकार के दांत उपस्थित है, इंसाइजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। इनका काम भी क्या होता है, अलग अलग, डिफरेंट। तो अलग अलग दांतों की उपस्थिति के कारण जो मनुष्य है उसको कैसा बोला जाता है, विषमदंती। तो मनुष्य कैसा हो गया, विषमदंती। विषमदंती का मतलब जो दांत है वो किस तरीके के पाए जाते हैं, अलग अलग। देखो, आगे बात करते हैं, मनुष्य में जो दांत होते हैं वो 2 टाइम के लिए आते हैं। पहले आते हैं अस्थायी दांत यानी कि अनस्टेबल, और दूसरी बार जो टीथ आते हैं, जो दांत आते हैं, वो कैसे होते हैं, स्थाई दांत। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अस्थाई दांतों की संख्या कितनी है, स्थाई दांतों की संख्या कितनी है, अस्थाई दांतों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कौन सा दांत होता है जो अस्थाई दांतों में नहीं होता, कौन सा होता है जो स्थाई दांतों में आके जुड़ जाता है। तो देखो,
अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20-20। और ये हम किस में देखते हैं? बच्चों में, चाइल्ड्स में। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। देखो कई बुक्स में आपको 12 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो सही नहीं है। क्यों? हम सबको पता है कि आज हम किस फेज में हैं? एडल्ट फेज में। हम वयस्क हैं, तो हम वयस्क, इसका मतलब हमारे अंदर 12 ही दांत है? ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर जो 20 दांत पहले बने थे वो कैसे थे? अस्थायी। तो ये कैसे हो गए? दूध के दांत जिसको बोलते हैं, इनको आप दूध के दांत भी बोल सकते हैं, दूध के दांत। तो इनके टूटने से, इनके टूटने के बाद में जो वयस्क अवस्था आती, तब हमारे अंदर कितने दांत बनते हैं? टोटल 32। तो पहले तो 20 ही थे, अब कितने बने हैं? 32 दांत बने। इसका मतलब स्थायी 32 के 32 है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज हमारी बकल कैविटी में 12 टीथ, तो जो कैसे हो स्थायी हो? ऐसा नहीं होगा। टोटल जो 32 है वो कैसे होंगे? स्थायी होंगे। अब देखो इनका फॉर्मूला हम कैसे याद रखेंगे, क्योंकि अस्थायी दूध के दांतों का फॉर्मूला क्या होता है? स्थायी जिसको अपन वयस्क की बात करते हैं, इसमें दांतों का फॉर्मूला कैसे होता है? देखो सबसे पहले बात करेंगे अस्थायी दांतों की, यानी कि अनस्टेबल जो टीथ होते हैं, अस्थायी दांत, जिसको हम मिल्क टीथ भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मिल्क टीथ, यानी कि अस्थायी दांत। संख्या कितनी होती है? 20। और हमको पता है कि मानव में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कैसे याद रखेंगे? ICPM, इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। बच्चे के जो दंत सूत्र वो होता है 21-02, मतलब एक भाग में इंसाइजर कितने? 2। केनाइन कितने? 1। प्रीमोलर कितना? 0। और मोलर कितने? 2। अब देखो आप टोटल दांतों की संख्या कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि जैसे ये हमारी बक्कल केविटी है, ये इसके ऊपरी दांत है, यहाँ पे कौन से दांत उपस्थित है? ऊपरी दांत। और यहाँ पे कौन से दांत उपस्थित है? नीचे वाले दांत। अगर मैंने इस बक्कल केविटी को यहाँ से डिवाइड कर दिया, तो आपकी बक्कल केविटी कितने भागों में बट गई? 4 भागों में। कैसे? ऊपर वाले आधे दांत इधर और आधे दांत किस तरफ है? इस तरफ। नीचे वाले आधे दांत दांत इस तरफ और आधे जो टीथ है दांत है वो किस तरफ है? इस तरफ। ये जो दांत आपको दिए हुए आते हैं, किस भाग के दिए होते हैं? केवल एक भाग के, केवल एक भाग के दिए हुए होते हैं। और आपको निकालने कितने भागों के होते हैं? 4 भागों के। तब जाके हमारे टोटल दांतों की संख्या यहाँ से निकल के आती है। तो देखो मैं क्या करूँगी, एक भाग में दांतों की संख्या कितनी हो गई? 2+1+0+2, कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 और 2 कितना हो गया? 5। हमने बक्कल केविटी को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। तो मैं किससे गुणा करूँगी? 4 से। तो टोटल दांत कितने आ गए? 20। ये फॉर्मूला किसका होता है? अस्थायी दांतों का, या फिर बच्चों का जो दांतों का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 21-02। अब आपसे पूछ सकता है कि इंसाइजर की संख्या कितनी है, टोटल केनाइन की संख्या कितनी है, तो कैसे निकालोगे? ये जो इंसाइजर वाले दांत दे रखे हैं आपको, ये एक भाग के दे रखे हैं, तो 4 भाग के कितने हो गए? 8। तो इंसाइजर टोटल कितने होते हैं? 8। केनाइन आपको एक भाग का एक दे रखा है, भाग कितने अपने? 4, तो कितने हो गए? 4। प्रीमोलर कितने होते हैं? 0। तो 4 भागों में कितने हो गए? 0। मोलर कितने होते हैं? 2। तो 4 भाग में कितने हो गए? 8। टोटल करके देख लो, 8 और 4 कितने हो गए? 12। 12 और 8 कितने हो गए? 20। यही हमने निकाला था, 5 × 4 से कितना आया था? 20 आंसर। इसका मतलब इंसाइजर की संख्या टोटल 8, केनाइन की संख्या 4, प्री मोलर यहाँ पे क्या होगा? एबसेंट। इस बात को याद रखेंगे कि बच्चों में कौन से दांत होते हैं जो पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं, तो वो आंसर क्या होगा? प्री मोलर, यानी कि अग्रचूर्णक वाले दांत। ये जो मोलर वाले दांत होते हैं, मोलर के दांत वैसे 3 होते हैं, लेकिन इसमें कितने पाए जाते हैं? केवल 2। तो देखो कैसे कंपेयर करेंगे, जो एडल्ट होता है, वयस्क होता है, वयस्क का दंत सूत्र हम क्या लिखते हैं? ICPM। इंसाइजर कितने? 2। केनाइन 1। प्री मोलर 2। मोलर 3। 21-23 कैसे याद रखेंगे? 21 और 23। अब हम कैसे करेंगे? देखो 21-23 से टोटल दांतों की संख्या यहां निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालोगे? पहले कितने दे रखे हैं? 2, फिर 1, फिर 2 और फिर कितना है? 3। तो टोटल कितनी हो गए? 8।
आपको पता है कि ये कितने भाग का दिया हुआ आता है हमें, एक भाग का, निकालना कितने का होता है, चार का, तो 8 × 4 कितने हो गए, 32। तो एडल्ट में वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। लेकिन एक बात देखना यहाँ पे कि मैं इंसाइजर की संख्या निकालूंगी तो इसको किससे गुणा कर दूंगी, 4 से, कितने हो गए, 8। मैं केनाइन की संख्या निकालूंगी तो किससे गुणा कर दूंगी, 4 से, कितने हो गए, 4। मैं प्रीमोलर निकालूंगी तो भी किससे गुणा करूंगी, 4, कितना हो गया, 8। और इसको 4 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 12। मतलब इंसाइजर 8, केनाइन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर कितने हो गए, 12। कंपेयर करो, बच्चे में इंसाइजर कितने थे, 8, एडल्ट में भी कितने हैं, 8। केनाइन कितने थे, 4, यहाँ भी कितने हैं, 4। प्रीमोलर यहाँ कितने पाए जाते हैं, 8, और प्रीमोलर यहाँ क्या होते हैं, एबसेंट। ये बात हमने पहले देख ली थी, लेकिन बात करेंगे मोलर दांतों की। देखो मोलर दांत कितने हैं, 12, यहाँ कितने हैं, ओनली 8। इसका मतलब यहाँ से देखो, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है, 3। इसका मतलब जो तीसरा दांत होता है वो भी बच्चे में क्या होता है, अनुपस्थित। और उस तीसरे दांत को हम क्या बोलते हैं, अक्कल दाढ़ या फिर विजडम टिथ। तो आपसे पूछ ले कि विजडम वाला टिथ कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा कि थर्ड जो मोलर टिथ होता है, थर्ड मोलर टिथ होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, विजडम टिथ या फिर क्या बोलते हैं, अक्कल दाढ़। जो 18 साल की एज के बाद में वयस्क अवस्था के अंदर ये हमें दिखाई देता है, तो थर्ड मोलर जो टिथ होता है उसको हम क्या बोलेंगे, विजडम टिथ, और ये बच्चों में क्या होगा, एब्सेंट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि दांतों की संख्या कैसे निकालेंगे, इंसाइजर कैसे निकालेंगे, प्रीमोलर कितने कैसे निकालेंगे और फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो ये जो दांत होते हैं, इंसाइजर, मोलर, प्रीमोलर, इन सब के काम अलग अलग होते हैं। देखो इंसाइजर वाला जो दांत होता है ये भोजन को काटने का काम करता है, क्या काम करता है, भोजन को काटने का, कटिंग करने का। केनाइन वाला जो दांत होता है ये क्या करता है, चीरने फाड़ने का काम करता है, किसका काम करता है, चीरने फाड़ने का। और ये जो दांत होते हैं ये किसका काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं। तो जैसे ही भोजन खाते हैं उसको काटता कौन है, इंसाइजर, और चीरने फाड़ने का काम कौन करता है, केनाइन, और चबाने का काम कौन करता है, प्रीमोलर और मोलर। देखो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया कि जो एलिफेंट होता है, जो एलिफेंट होता है उसके जो आगे वाले दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, इंसाइजर होंगे, मोलर होंगे, प्रीमोलर होंगे या फिर केनाइन होंगे। तो आप सबको पता है कि एलिफेंट कैसा होता है भाई, शाकाहारी, हर्बीवेरस है या नहीं है, हर्बीवेरस होता है, शाकाहारी होता है, किसको खाता है, प्लांट्स को या फिर हर्ब्स को खाता है। आपको पता है कि एलिफेंट हर्ब्स को खाता है, तो उनको चीरा जाएगा, फाड़ा जाएगा या फिर काटा जाएगा, काटने का काम होगा, और काटने का काम कौन से दांत करते हैं, इंसाइजर। इसका मतलब एलिफेंट के जो आगे वाले दांत हमें दिखाई देते हैं वो कैसे होते हैं, इंसाइजर। इसके साथ में कई बार चूहे के बारे में भी पूछ लिया कि चूहे का जो आगे वाले दांत होता है वो कौन सा होता है, तो वो भी कौन से होंगे, इंसाइजर। लेकिन अगर बात करें लोइन का केस अपन उठाते हैं, शेर का केस उठाए, तो वहां पे ये थोड़ा अलग हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं लोइन जो शेर है उसके जो आगे वाले दांत होते हैं वो कौन से होंगे, इंसाइजर होंगे, प्रीमोलर होंगे, मोलर होंगे, केनाइन होंगे। तो आपको पता है कि शेर कैसा होता है, मांसाहारी, कार्निवर्स होता है, कैसा होता है, कार्निवर्स, मांसाहारी, किसको खाता है, मांस को खाता है। अगर ये मांस को खाता है तो इसको, इसका काम क्या होगा, चीरने और फाड़ने का, चीरेगा फाड़ेगा तभी तो इसको मांस मिलेगा। तो चीरने और फाड़ने का काम कौन से दांत करते हैं, केनाइन। इसका मतलब लोइन के जो आगे वाले दांत हमें दिखाई देते हैं वो कैसे होते हैं, केनाइन, यानी कि रद्दनक दांत। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो हम बात करते हैं टंग की, जीभ की, दांत से एक क्वेश्चन और बनता है कि दांत का जो बाहर वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, सबसे स्ट्रोंग जो भाग होता है, पार्ट होता है, सबसे जो कठोर भाग होता है वो कौन सा होता है, इनेमल। और दांत किससे मिलके बना होता है, दांत किससे मिलके बना होता है हमारा, फास्फेट और कैल्शियम, या तो कैल्शियम होगा या फिर क्या होगा, फास्फेट। कैल्शियम और फास्फेट से मिलके क्या बना होता है हमारा दांत, और दांत का जो बाहर वाला भाग होता है उसको आप क्या बोलते हैं, इनेमल, जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अब हमारी बात आती है यांत्रिक पाचन में जीभ की, यानी कि टंग की। देखो जीभ का पाचन में काम इतना होता है कि भोजन होता है उसको मूव करवाना, मूवमेंट करवाना, पूरे मुख में घुमाता है ताकि जो स्लाइवा है वो पूरी तरीके से उसके अंदर क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। तो जीभ का देखो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड टेस्ट का, तो आज हम देख लेते हैं।
देखो जीभ पे संपूर्ण सतह पे क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स। ये जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स, यानी कि स्वाद कलिकाएं, जो किसका ज्ञान कराएगी हमें, टेस्ट का, यानी कि स्वाद का। लेकिन अलग अलग भाग अलग अलग टेस्ट का ज्ञान कराता है। जीभ का ये जो आगे वाला भाग होता है ये किसका ज्ञान कराता है, मीठे का, स्वीट का। ये जो भाग होता है साइड वाला, ये हमें कराता है साल्टी, जो टेस्ट होता है साल्टी टेस्ट, यानी कि नमकीनी स्वाद। नमकीनी स्वाद का ज्ञान कराएगा। यहां ये जो बीच वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ये कराता है किसका ज्ञान, खट्टे का, यानी स्वेर। स्वेर का ज्ञान कराता है, खट्टे का ज्ञान कराता है। ये जो पीछे वाला भाग होता है जीभ का, ये किसका ज्ञान करवाता है, कड़वे का। तो टेस्ट से रिलेटेड जीभ से क्वेश्चन आ सकता है कि कड़वे का ज्ञान जीभ का कौन से वाला भाग कराता है, तो आपका आंसर क्या होगा, पीछे वाला। साल्टी जो टेस्ट होता है उसका ज्ञान कौन सा होता है, जीभ के जो किनारे वाले भाग होते हैं, साइड वाला जो पार्ट होता है, वहां से कौन सा टेस्ट करते हैं, साल्टी टेस्ट। जीभ का जो आगे वाला भाग होता है वो कौन सा टेस्ट कराता है, मीठे का। और जीभ का जो बिल्कुल बीच में जो सेंटर वाला जो भाग होता है वो किसका ज्ञान कराता है, खट्टे का। ये बात थी हमारी मुख में यांत्रिक पाचन की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रासायनिक पाचन, यानी कि केमिकल डाइजेशन की, जहाँ से क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं। देखो बात करेंगे हम केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन यानी कि रासायनिक पाचन। कहाँ पढ़ रहे हैं हम, माउथ कैविटी में, मुख गुहा में। देखो जैसे ही भोजन को काट दिया जाता है, काटने के बाद में मुख गुहा में क्या उपस्थित होती है, आपको पता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि। तीन प्रकार की होती है, एक होती है स्लाइवरी मैग्जीबुलर एंड सेकंड स्लाइवरी मैंडिबुलर एंड थर्ड कौन सी होती है, पैरोटिड। देखो जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होती है इन दो ग्लैंड से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो आपको केवल नाम पता रखना है कि जो एक स्लाइवरी ग्लैंड मैग्जीबुलर भी होती है और एक कौन सी होती है, मैंडिबुलर भी होती है। लेकिन पैरोटिड ग्लैंड से क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं। क्यों, एक तो क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर क्या आएगा, पैरोटिड ग्लैंड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड। कहाँ पाई जाती है, जो चिक्स होते हैं उनकी बगल में, यानी कि गाल के बगल में ये उपस्थित होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पुटअप होता है कि कई बार क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है किसके ऊपर, पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर। जैसे ही बैक्टीरिया पैरोटिड ग्लैंड पे अटैक करते हैं, पैरोटिड ग्लैंड क्या कर जाती है, सूजन कर जाती है, फूल जाती है। किसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से पैरोटिड ग्लैंड क्या हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है, सूज जाती है, सूजन आ जाती है। उस रोग को हम क्या बोल देते हैं, गलसुआ रोग। क्या बोल देते हैं, गलसुआ रोग, या फिर हम बोलते हैं मम्स। कई बार आता है कि मम्स रोग किससे संबंधित है, तो आपका आंसर आएगा एक लार ग्रंथि से, तो आपका आंसर सही होगा, एक लार ग्रंथि, और उसका नाम क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। कैसे होता है, कोई बैक्टीरिया जब पैरोटिड ग्लैंड पे अटैक कर जाता है या फिर यहाँ तक पहुँच जाता है, तो क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाती है, और इन्फेक्शन की वजह से गला सूज जाता है। गलसुआ का मतलब गला यहाँ से सूज जाता है, उस रोग को हम क्या बोल देते हैं, मम्स रोग। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो स्नैक्स होते हैं, यानी कि जो सांप होते हैं, सांप की जो पॉइजन ग्लैंड होती है, किस ग्लैंड की बात करेंगे, सांप की जो पॉइजन ग्लैंड होती है, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, जहर ग्रंथि। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया कि सांप की पॉइजन ग्लैंड जो जहर ग्रंथि है वो किसका रूपांतरण होता है, तो आपका आंसर आएगा मानव की लार ग्रंथि, वो भी कौन सी, पैरोटिड।
तो पैरोटिड ग्रंथि से सभी बात आपने देख ली। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड कहाँ पाई जाती है? दोनों गाल के बगल में। पैरोटिड ग्लैंड में बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से एक रोग हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं, गलसुआ या फिर मम्स रोग। अब देखो जो सांप होता है उसकी पे पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है जो क्या बनाती है, पॉइजन बनाती है। वो किसका रूपांतरण होती है? मानव की, मनुष्य की जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसका रूपांतरण रूप क्या होती है, पॉइजन ग्लैंड। अब देखो ये जो स्लाइवरी ग्लैंड है ये किसका श्रावण करती है, स्लाइवा यानी कि लार का। देखो लार का काम क्या होता है, अब हम बात करेंगे स्लाइवा की, लार की किसके द्वारा स्रावित की जाती है, सिक्रेट होती है ये लार ग्रंथि यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड के द्वारा। अब देखो लार करती क्या है, भोजन के पाचन के लिए जो इंजाइम्स पाए जाते हैं, जो इंजाइम पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, लार में। देखो प्रतिदिन प्रतिदिन 1.5 से यानी कि 1.5 से 2 लीटर स्लाइवा का क्या होता है, सिक्रेशन होता है, श्रावण होता है। तो याद रखना प्रतिदिन हमारे मुख में, माउथ में कितने लीटर स्लाइवा सिक्रेट होती है, 1.5 से लेके 2 तक। और इस स्लाइवा का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 6.8, मतलब आप क्या बोल सकते हैं, हल्का अम्लीय, हल्का अम्लीय। तो स्लाइवा की पीएच आप कितनी याद रखेंगे, 6.8, जिसको हम क्या बोलते हैं, हल्का अम्लीय। देखो लार में इंजाइम्स कौन कौन से पाए जाते हैं, लार में हम इंजाइम की बात करेंगे तो दो प्रकार के इंजाइम हम देखते हैं। एक जो इंजाइम होता है वो थोड़ा स्पेशल है, उसकी मैं बात बता देती हूँ। एक इंजाइम होता है लाइसोजाइम, कौन सा इंजाइम होता है, लाइसोजाइम। ये लार के साथ साथ में जो आंसू होते हैं, जो अश्रु होते हैं उनमें भी पाया जाता है। लार में तो होता जैसे होता है, इसके साथ में किस में पाया जाता है, आंसुओं में भी होता है। देखो लाइसोजाइम का काम क्या होता है, जहां भी इंजाइम की बात आ जाती है हम क्या बोलते हैं कि इंजाइम एक प्रोटीन है जिसका काम क्या होता है, अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करना, और अभिक्रियाओं को क्या करना, उत्प्रेरित करके वो अभिक्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। ये बात हम इंजाइम से रिलेटेड लेते हैं, लेकिन लाइसोजाइम जो इंजाइम है, लाइसोजाइम इंजाइम पाचन में भाग नहीं लेता। लाइसोजाइम इंजाइम पाया लार में जाता है लेकिन पाचन में भाग नहीं लेता, तो काम क्या होता है, लाइसोजाइम जो इंजाइम होता है वो कैसा होता है हमारा, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, जीवाणु रोधी। ये करता क्या है, देखो भोजन के साथ कई बार क्या होता है, कई बार क्या, हर बार ही हम देखते हैं कि भोजन के साथ क्या चले जाते हैं, एनवायरनमेंट से उपस्थित जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, वो भोजन के साथ हमारे मुख में चले जाते हैं। तो ये जो लाइसोजाइम इंजाइम है ये कैसा होता है, एंटीबैक्टीरियल, जीवाणु रोधी। जैसे ही मुख में जाते हैं लाइसोजाइम इंजाइम इन पे क्या करता है, काम करता है और इनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो याद रखेंगे कि लाइसोजाइम इंजाइम लार में पाया जाता है बट डाइजेशन से रिलेटेड नहीं होता, कैसा होता है, एंटीबैक्टीरियल, जीवाणु रोधी, जिसका काम क्या होता है, जीवाणुओं को नष्ट करना। अब हम डाइजेस्टिव इंजाइम्स की बात करेंगे कि लार में कौन से डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं। एक जो इंजाइम होता है वो होता है एमाइलेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम होता है टाइलिन। एक इंजाइम तो कौन सा होगा, एमाइलेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइलिन। और दूसरा इंजाइम कौन सा होता है हमारा, माल्टेज। दूसरा इंजाइम कौन सा होगा, माल्टेज। देखो ये एम जो वर्ड है, जहां भी आपको ये एज वर्ड लगा हुआ मिलता है, इस एज वर्ड का मतलब ही आप क्या समझेंगे, इंजाइम। किसकी बात की जा रही है, किसी ना किसी एंजाइम की। देखो माल्टेज है, एमाइलेज है, लाइपेज है, ये सब सारे इंजाइम होते हैं। एज वर्ड किसको बताएगा, इंजाइम को। यहाँ पे जो ये एम वर्ड है ये बताता है कार्बोहाइड्रेट को, किसको बताएगा, कार्बोहाइड्रेट को, या फिर आप बात बोल सकते हैं स्टार्च को। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन कौन करेगा, एमाइलेज यानी कि टाइलिन। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो स्टार्च का पाचन करने वाले इंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, स्लाइवा लार में। और स्लाइवा कहाँ उपस्थित होती है, माउथ कैविटी में। इसका मतलब मुख में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। दूसरा जो हमारा इंजाइम है वो कौन सा होता है, माल्टेज। देखो माल्टेज में आपको माल्टोज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। और माल्टोज क्या है, एक शर्करा है। इस माल्टोज शर्करा का पाचन कौन करता है, माल्टेज इंजाइम। अब कई बार आ जाता है कि माल्टोज शर्करा है क्या, जब ग्लूकोज के दो अणु एक साथ में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है, माल्टोज के एक अणु का। तो आपसे कोई क्वेश्चन करे कि माल्टोज क्या है, तो आप बता देंगे कि माल्टोज एक शर्करा है जिसका निर्माण कब होता है, जब ग्लूकोज के दो अणु एक साथ में जुड़ते हैं। और माल्टोज का पाचन कौन करता है, माल्टेज
इंजाइम, तो ये बात समझ में आ गई होगी। देखो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि देखो हमने क्या किया, भोजन में क्या मिला दिया, सलाइवा। भोजन में सलाइवा मिला देने पर भोजन को क्या बोला जाता है, बोलस। तो आपसे पूछे कि बोलस कहाँ बनता है, तो आप क्या बोलेंगे कि बोलस कहाँ बनता है, माउथ केविटी मुख गुहा में बनता है जब हम भोजन में क्या मिला देते हैं, सलाइवा। और सलाइवा मिलाने से भोजन पे कौन काम करते हैं, इंजाइम्स, और इंजाइम भोजन को क्या कर देते हैं, उनकी सरल इकाइयों में तोड़ देते हैं। तो आप ये बात बोल सकते हैं कि भोजन यानी कि फूड, भोजन में जब हम लार मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, बोलस। इस बात को याद रखना इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेता है कि बोलस कहाँ बनता है, माउथ में बनेगा। क्यों? क्योंकि फूड के अंदर लार कहाँ मिलाई जाती है, माउथ में। तो उस भोजन को हम क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। देखो अब क्या होगा, जैसे भोजन का डाइजेशन शुरू हो गया, अब कंप्लीट डाइजेशन तो हुआ नहीं, लेकिन जितना जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको कहाँ लेके जाएंगे, आमाशय में, क्योंकि अगला पाचन कहाँ होने वाला है, आमाशय में। अब आमाशय में लेके कौन जाता है, देखो इस तरीके से एक ओइसोफेगस, ओइसोफेगस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फूड पाइप, खाद्य नली। फूड पाइप, खाद्य नली उपस्थित होती है। इसका काम ही क्या होता है कि जो बोलस मुख में बना है उसको ये कहाँ तक लेके जाती है, आमाशय तक। देखो इसमें कुछ गतियाँ पाई जाती है इस तरीके से, इनको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी कि कर्मानुकुंचन गतियां, कर्मानुकुंचन गतियां। इन गतियों का काम क्या है, देखो जैसे ही फूड इसके अंदर आता है ये अंदर की तरफ जाती है, फिर खुलती है, फिर अंदर की तरफ जाती है, फिर खुलती है। इससे क्या होता है कि भोजन धीरे धीरे कहाँ जाता है, आमाशय की तरफ। अगर ये गतियाँ नहीं होती तो एकदम से भोजन कहाँ जाता है, आमाशय में। और आमाशय कैसी संरचना, एक थैली जैसी, एक झिल्ली संरचना है, तो उसकी मेम्ब्रेन क्या हो सकती थी, डैमेज हो सकती थी। लेकिन ये जो गतियाँ होती है इसकी वजह से जो भोजन है, जो फूड है, वो धीरे धीरे किस तरफ जाता है, आमाशय की तरफ जाता है। देखो ये जो कर्मानुकुंचन गतियाँ होती है इनकी गति फिक्स होती है, इसी तरफ चलती है, ये कभी इस तरफ नहीं हो सकती, रिवर्स नहीं हो सकती। अगर ये रिवर्स हो जाती, आप सबको पता है कि जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो फूड कहाँ जा रहा है, नीचे। अगर मान लो ये नीचे से ऊपर चलना स्टार्ट होगी तो फूड कहाँ जाएगा, ऊपर, और क्या हो जाएगी, वोमिटिंग। इसीलिए ये जो कर्मानुकुंचन गतियाँ हैं ये हमेशा एक ही दिशा में चलती है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि क्या यहाँ पे पाचन की क्रिया होती है, तो आपका आंसर आएगा नहीं, यहाँ पे पाचन की क्रिया नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, कोई मीडियम नहीं बनता। केवल ओइसोफेगस फूड पाइप का काम क्या होता है, जो बोलस माउथ केविटी में बना है उस बोलस को कहाँ लेके जाना, आमाशय तक लेके जाना। तो अब हम किसको पढ़ेंगे, आमाशय को। देखो जैसे ये बोलस आमाशय में आता है, सबसे पहले हम आमाशय की संरचना देखते हैं कैसे होता है। इस तरीके से आमाशय उपस्थित होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टमक, यानी कि आमाशय। एक बात हमेशा याद रखना कि आमाशय में 4 घंटे के लिए भोजन रुकता है, सबसे ज्यादा जो टाइम बिताता है वो कहाँ बिताता है, आमाशय में, लगभग कितना, 4 घंटे के लिए। इसीलिए आमाशय को क्या बोला जाता है, वेयर हाउस। आमाशय को क्या बोलते हैं, वेयर हाउस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि 4 घंटे के लिए भोजन कहाँ रुकता है, आमाशय में रुकता है। अब देखो भोजन का जो प्रोटीन है उसका पाचन कहाँ से शुरू होता है, आमाशय से। तो तीनों टर्म याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन तो माउथ केविटी से, प्रोटीन का पाचन आमाशय से, और लिपिड यानी कि वसा, फेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, हमारे छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो देखो स्टमक के अंदर क्या होता है, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अगर मैंने स्टमक का यहाँ से कोई एक भाग ले लिया, कोई एक पार्ट ले लिया, तो मुझे देखो कुछ कोशिकाएं दिखाई देती है। मैंने इसको एक स्टमक की कोशिका मान लिया, ये आमाशय की एक कोशिका है। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इस तरीके से उपस्थित होती है ये तीनों कोशिकाएं। देखो ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है इसको बोला जाता है एपिथीलियम,
एपिथीलियम या आप बोल सकते हैं उपकला कोशिका। क्या बोलेंगे? एपिथीलियम या उपकला कोशिका, इसका दूसरा नाम चीफ सेल भी है, इसको हम चीफ सेल भी बोलते हैं। यहां से देखो, ये जो कोशिका होती है इसको हम बोलते हैं ऑक्सेंटिक सेल, ऑक्सेंटिक सेल, ऑक्सेंटिक कोशिका। ये जो कोशिकाएं होती है इनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि। तीनों का अलग अलग काम होता है। क्या काम होता है? ये जो एपिथेलियम कोशिका है, एपिथेलियम कोशिका किसका श्रावण करती है? म्यूकस का। याद रखेंगे, एपिथेलियम कोशिका किसका श्रावण करती है? म्यूकस का। ये जो ऑक्सेंटिक सेल है ये किसका श्रावण करती है? एसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और ये जो जठर ग्रंथि है ये किसका श्रावण करती है? जठर रस का, जिसमें अनेक प्रकार के एंजाइम्स क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आमाशय में तीन प्रकार की कोशिका होती है। एपिथीलियम उपकला कोशिका जो किसका श्रावण करती है, जिसको चीफ सेल भी बोलते हैं, और किसका श्रावण करेगी? म्यूकस का। ऑक्सेंटिक सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका श्रावण करती है? जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस का। तो अभी इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, देखते हैं। बात करेंगे हम गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस की। सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस, जिसको हम क्या बोलेंगे? जठर रस। देखो, जठर रस में हमारे पास में दो प्रकार के एंजाइम देखने को मिलते हैं। एक एंजाइम होता है पेप्सिन, और दूसरा कौन सा होता है? रेनिन। पहला एंजाइम पेप्सिन होता है और दूसरा कौन सा होता है? रेनिन होता है। दोनों ही डाइजेशन से रिलेटेड है। देखो, दोनों ही एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं। किसका पाचन करेंगे? प्रोटीन का। तो दोनों एंजाइम कैसे हो गए? प्रोटीन पाचक एंजाइम। लेकिन स्पेशल केस बनता है किसका? रेनिन का। कैसे? रेनिन केवल दूध की प्रोटीन यानी कि मिल्क प्रोटीन का, केवल दूध की प्रोटीन का ही पाचन करता है। और दूध की प्रोटीन कौन सी होती है? कैसिनोजेन। यह दूध की कैसिनोजेन प्रोटीन को पाचित करके किसमें चेंज करता है? केसिन में। तो आपको क्वेश्चन पूछे कि दूध की प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आपका आंसर कौन सा आएगा? रेनिन, जो दूध की प्रोटीन कैसिनोजेन को किसमें बदलता है? केसिन में। अब देखो, आपसे क्वेश्चन पूछे कि रेनिन एंजाइम बच्चों में ज्यादा सक्रिय होता है या फिर एडल्ट में, तो आपका आंसर कैसे आएगा? देखो, बच्चे होते हैं वो लगभग किसका सेवन करते हैं? क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। और दूध के पाचन के लिए एंजाइम कौन सा चाहिए? रेनिन। तो पाचन करने के लिए रेनिन एंजाइम बच्चों में क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा। लेकिन जैसे थोड़े बड़े हो जाते हैं, हम दूध के साथ और भी तो लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, प्रोटीन फैट भी लेते हैं, तो उनके पाचन के लिए और एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे हम एडल्ट होते जाते हैं, एडल्ट होते होते ये रेनिन एंजाइम धीरे धीरे क्या होता जाता है? असक्रिय। तो दो प्रकार के एंजाइम पेप्सिन और रेनिन, दोनों ही प्रोटीन का पाचन करते हैं। यहाँ पे जो रेनिन एंजाइम होता है, स्पेशल केस कैसे बनता है? किसकी प्रोटीन का पाचन करता है? दूध की प्रोटीन का। और कौन सी प्रोटीन होती है? कैसिनोजेन। और कैसिनोजेन प्रोटीन को ये किसमें बदलता है? केसिन में बदलता है। अब देखो, बात करें एचसीएल के, कि इस एचसीएल का काम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? किसके द्वारा स्रावित होगा? ऑक्सेंटिक सेल्स के द्वारा। देखो, आमाशय के जो एंजाइम है, जो हम दो एंजाइम दे रहे हैं, पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों ही एंजाइम केवल किसमें काम करते हैं? अम्लीय माध्यम में, केवल एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं। तो जैसे ही भोजन आमाशय में आता है, ये एंजाइम असक्रिय रहते हैं। लेकिन एचसीएल का श्रावण होते ही, एचसीएल क्या है? एक अम्ल है जो आमाशय की पीएच 1.5 से 2 तक कर देता है। 1.5 से कितनी कर देता है? 2 कर देता है। जो एक कैसे पीएच है? अम्लीय माध्यम। कैसा बनाएगा? अम्लीय माध्यम। ये अम्लीय माध्यम बनाएगा तभी पेप्सिन और रेनिन एंजाइम क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। तो एचसीएल का एक स्पेसिफिक काम होता है स्टमक का जो एसिडिक मीडियम है, अम्लीय माध्यम बनाना। और पीएच कितनी बना देता है आमाशय की? 1.5 से 2 तक। ये हमने किसकी बात की है? आमाशय की। एक जो हमने बात की अभी म्यूकस की, कि जो एपिथीलियम कोशिका होती है, चीप सेल्स होती है, वो किसका श्रावण करती है? म्यूकस का। अब इस म्यूकस का काम क्या होता है? देखो, कई बार क्या होता है कि हम टाइम पे भोजन नहीं लेते, फूड नहीं लेते, तो आपको पता है कि ऑक्सेंटिक सेल एचसीएल सिक्रेट करेगी, और इसके साथ में
एंजाइम जठर रस में क्या पाए जाएंगे, एंजाइम भी मिलेंगे। तो अब क्या होगा कि अगर हमारी स्टमक में फूड ही नहीं है तो ये किसका डाइजेशन करेंगे? तो इस HCL की वजह से धीरे धीरे हमारी आमाशय की जो मेम्ब्रेन है वो क्या होने लग जाती है, डैमेज होने लग जाती है। तो इस HCL के प्रभाव से आमाशय की भित्ति को कौन बचाता है? म्यूकस। तो याद रखेंगे म्यूकस का काम क्या हुआ, आमाशय की भित्ति को किसके प्रभाव से बचाना, HCL के प्रभाव से बचाना। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, भोजन के अंदर क्या मिला दिया, लार, सॉरी भोजन में हमने क्या मिला दिया, HCL। लार पहले मिलाई थी तो उसको क्या बोल दिया था, बोलस। यहाँ भोजन के अंदर हमने HCL और एंजाइम्स मिला दिए तो इसको हम क्या बोल देते हैं, काइम। तो आपसे आए कि काइम क्या होता है, तो आप बोलेंगे आमाशय में जो भोजन होता है जिसके साथ HCL मिलाया हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, काइम। और बोलस किसको बोलेंगे, जिसमें मुख गुहा में भोजन के साथ किसको मिला दिया जाता है, लार को, स्लाइवा को, उसको हम क्या बोल देते हैं, बोलस। तो ये बात थी किसकी, आमाशय की। अब आमाशय का ये जो काइम भोजन है, अभी पाचन किसका हुआ, स्टार्च का हो गया, किसका हो गया, प्रोटीन का हो गया, प्रोटीन का पाचन हुआ तो अब किसका बचा, फेट का, वसा का। अब वसा का पाचन हमारे पास जाके कहाँ होता है, छोटी आंत में। और वसा के पाचन के लिए जो इमल्सिफिकेशन की क्रिया है उसके लिए पित्तरस की आवश्यकता होती है। और हम बात करेंगे अब लीवर की, कि लीवर का क्या काम होता है। देखो बात करूं मैं, मानूं कि ये एक लीवर है हमारी और ये इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। गॉल ब्लैडर जिसको हम क्या बोलेंगे, पित्ताशय, या फिर आप बोल सकते हैं पित्त की थैली, या तो पित्ताशय बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, पित्त की थैली बोलेंगे। देखो काम क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा, स्किन, आप सबको पता है। लेकिन मैं बात करूं मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, लीवर यानी कि यकृत। आंसर क्या आएगा, लीवर यानी कि यकृत। यकृत जो ग्रंथि होती है वो कैसी होती है भाई, बहिस्रावी। क्यों होती है आपको भी पता है, ट्यूब्स क्या होती है इसमें, एबसेंट। जो भी बहिस्रावी ग्रंथि होती है उनमें ट्यूब एबसेंट होती है और ये हमेशा किसका निर्माण करती है, किसका श्रावण करती है, एंजाइम का। लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसमें ट्यूब क्या होगी, प्रेजेंट, और किसका श्रावण करेगी, हॉर्मोन्स का। तो ये डिफरेंस होता है बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि में। तो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि का अगर अपन बात करेंगे तो वो क्या होगी, लीवर। लेकिन शरीर के सबसे बड़े दूसरे अंग की बात करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, लीवर यानी कि यकृत। देखो एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज्यादा मानव शरीर में सबसे ज्यादा रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है, पुनरुद्भवन यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन। पुनरुद्भवन का मतलब क्या है कि अगर एक बार ये लीवर डैमेज हो गई, 75% से 90% तक अगर ये लीवर डैमेज हो गई तो ये लीवर वापस बन सकती है, अगर टाइम पे इसका क्या हो, ट्रीटमेंट हो। तो पुनरुद्भवन, पुनः इसका क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है वो किसमें होती है, लीवर में यानी कि यकृत में, और सबसे कम किसमें होती है, ब्रेन में यानी कि मस्तिष्क में। सबसे ज़्यादा तो किस में होगी, लीवर में, यकृत में, और सबसे कम किस में होती है, ब्रेन में यानी कि मस्तिष्क में। समझ गए इस बात को। अब देखो जो यकृत होता है, यकृत में एक रस बनता है उसको हम बोलते हैं बाइल जूस। बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है बाइल जूस का, जिसको क्या बोलेंगे, पित्त रस। इस पित्त रस का निर्माण तो कहाँ होता है, यकृत में, लीवर में, और इसका संग्रहण क्या कहाँ किया जाता है, यकृत में उपस्थित पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में। निर्माण कहाँ होता है, यकृत, लीवर में, और इसका संग्रहण कहाँ होता है, पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में। अब देखो ये जो पित्तरस होता है ये हमें येलो कलर का दिखता है, कैसा दिखता है, येलो कलर का, और इसकी जो पीएच मान होता है, इसका पीएच मान होता है 7.7 से 7.8। पीएच मान कितना होगा, 7.7 से 7.8। अब देखो बाइल जूस में क्या होता है, बाइल जूस में कुछ वर्णक पाए जाते हैं जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन,
ये दो वर्णक पाए जाते हैं, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, ये किस कलर के होते हैं? येलो कलर के। तो हमारे जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थों का पीला रंग किसकी वजह से होता है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण। इसके साथ इसमें कुछ फोस्फोलिपिड भी होती है, कुछ मात्रा में फोस्फोलिपिड होती है, और फोस्फोलिपिड के साथ क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रोल। तो ये संघटक हो गए पित्तरस के। पित्तरस में क्या क्या पाया जाता है? बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, जो किस कलर के पिगमेंट होते हैं? येलो कलर के। इसके साथ में क्या पाया जाता है? फोस्फोलिपिड, और फोस्फोलिपिड के साथ में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रोल। अब देखो, बाइल जूस का एक स्पेसिफिक लक्षण ये होता है कि बाइल जूस, हम ये मान रहे हैं कि जो ग्रंथियां हैं वो या तो हार्मोन सिक्रेट करेगी या फिर क्या सिक्रेट करेगी? एंजाइम्स। लेकिन बाइल जूस एकमात्र ऐसा जूस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। एंजाइम्स कहाँ क्या होते हैं? यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो आगे देखो, अब देखो पित्तरस का काम क्या होता है। पित्तरस का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम देखना, जो वसा होती है, जो फेट होती है, फेट को इसके सरल अणु फैटी एसिड में तोड़ा जाता है। किसमें तोड़ा जाता है? फैटी एसिड में तोड़ा जाता है। फेट का फैटी एसिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन जिसको हम क्या बोल सकते हैं? पायसीकरण। क्या बोलेंगे? पायसीकरण। तो वसा का पायसीकरण का मतलब क्या होता है? वसा का छोटे छोटे अपने पार्ट्स में यानी कि फैटी एसिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन यानी कि पायसीकरण। अब देखो, इमल्सिफिकेशन का काम कौन करता है? तो आपका आंसर आएगा बाइल जूस यानी कि पित्तरस। बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में जाता है, और वहां पे उपस्थित उस फेट को उसके छोटे छोटे फैटी एसिड्स में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन यानी कि पायसीकरण। तो पायसीकरण का काम कौन करता है? फैटी एसिड्स, सॉरी पित्तरस बाइल जूस। अब देखो, लीवर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम और होता है कि क्या होता है कि फूड जो होता है, फूड के साथ में कई जो पॉइजन होते हैं यानी कि जहरीले पदार्थ भी चले जाते हैं, तो ये लीवर क्या करता है? इन जहरीले पदार्थों को भोजन से हटा देता है, भोजन से हटाता है, इनका अवशोषण कर लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं? भोजन का निराविषीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन। निराविषीकरण डिटॉक्सिफिकेशन। तो भोजन का निराविषीकरण का मतलब आप समझ गए कि भोजन के साथ आने वाले जहरीले पदार्थों को भोजन से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। तो भोजन का क्या हो जाता है? निराविषीकरण। और काम कौन करता है भोजन के निराविषीकरण का? हमारा लीवर। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि भोजन का निराविषीकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाएगा? लीवर यानी कि यकृत के द्वारा। अब देखो, एक क्वेश्चन लीवर से ये बन गया कि जो प्रतिरक्त स्कंदक प्रोटीन होती है, एंटी क्लोटिंग प्रोटीन, और एक जो क्लोटिंग प्रोटीन होती है, उनका निर्माण कहाँ होता है? तो देखना, मैंने आपको पढ़ाया था ब्लड में, रक्त में। पहला जो वीडियो था हमारा रक्त वाला, ब्लड का। ब्लड में मैंने आपको दो प्रकार की प्रोटीन बताई थी, एक प्रोटीन होती है हीपेरिन और दूसरी प्रोटीन कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन। देखो, दोनों का काम अलग अलग होता है। हीपेरिन प्रोटीन क्या करती है? बॉडी में रक्त को स्कंदित होने से यानी कि क्लोटिंग बनने से रोकती है। इसी कारण ब्लड, हमारी जो बॉडी है, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर ब्लड की क्या नहीं बनती? क्लोटिंग नहीं बनती। क्यों? क्योंकि कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हीपेरिन प्रोटीन। अब फाइब्रिनोजन क्या करती है कि जैसे ही हमें चोट लग जाती है, तो चोट लगने पे क्या निकलता है? ब्लड निकलता है, और कहाँ निकलता है? बॉडी से बाहर। तो बॉडी से बाहर जो ब्लड निकलता है, इस ब्लड की जो क्लोटिंग बनाता है, जो थक्का बनाता है, जो जमाता है इसको, वो कौन होता है? फाइब्रिनोजन। दोनों ही प्रोटीन है, दोनों ही ब्लड की प्रोटीन है। तो देखो, दोनों का काम अलग अलग है। हीपेरिन तो क्या कर रही है? थक्का बनने से रोक रही है, और फाइब्रिनोजन क्या कर रही है? थक्का बना रही है। इन दोनों ही प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है? लीवर में यानी कि यकृत में। कहाँ होगा?
लीवर में होगा, यकृत में होगा। तो ये लीवर से संबंधित जो बात थी वो मैंने आपको बता दी, इस चीज़ को याद रखेंगे। जो बाइल जूस है जो फेटी एसिड में बदलता है, इमल्सिफिकेशन करता है, एंजाइम नहीं पाए जाते, उत्सर्जी पदार्थों का जो येल्लो रंग होता है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन किस में पाए जाते, लीवर में पाए जाते। निराविषीकरण कौन करता है, लीवर करता है, डिटॉक्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं। एक काम और ये होता है कि हमारा जो संचित भोजन होता है जंतुओं का, जो एनिमल्स होते हैं, इनका संचित भोजन क्या होता है भाई, ग्लाइकोजन। इस ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज किया जाता है, यानी इसको जो संचित किया जाता है, उसका काम भी कौन करता है, लीवर। कहाँ जाके स्टोर होता है, लीवर में। तो ये लीवर से संबंधित बात थी। देखो इसके बाद में बात करेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम का अगला पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, अग्नाशय, यानी कि पैनक्रियाज। अग्नाशय जिसको हम क्या बोलेंगे, पैनक्रियाज। देखो अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड है। मिश्रित ग्रंथि है यानी कि क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, तो आंसर क्या आएगा, लीवर यानी कि यकृत। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित मिक्स्ड ग्लैंड, तो आपका आंसर क्या आएगा, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। देखो मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि अग्नाशय में दोनों प्रकार की ग्रंथियां होती है, बहिस्रावी भी होती है और इसके साथ में अंतःस्रावी भी होती है। तो मैं बात करूं, मैंने मान लिया कि ये एक अग्नाशय कोशिका है, पैनक्रियाज है, ये एक अग्नाशय सेल है यानी कि एक पैनक्रियाज है। इस पैनक्रियाज में दोनों ग्रंथियां पाई जाती है। मैंने मान लिया कि ये वाला जो भाग है ये एक्सोक्राइन वाला है, एक्सोक्राइन का मतलब बहिश्रावी। ये वाला जो भाग है ये कौन सा है, एंडोक्राइन, और एंडोक्राइन का मतलब आप क्या लेंगे, अंतःस्रावी। ये वाला भाग तो कौन सा है, एक्सोक्राइन बहिस्रावी, और ये वाला भाग कौन सा है, एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी। देखो दोनों का काम क्या होता है, बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में अभी मैंने बताया कि इनमें ट्यूब क्या होगी, एब्सेंट, और इनका श्रावण क्या होगा भाई, एंजाइम। किसका श्रावण करती है ये, एंजाइम्स का। और बात करें एंडोक्राइन का, तो एंडोक्राइन में ट्यूब क्या होती है, प्रेजेंट, और ये किसका सिक्रेशन करती है, हॉर्मोन्स का। इसका मतलब यही भी एंजाइम भी बनेंगे और इसके साथ में क्या बनेंगे, हॉर्मोन्स की बात, हॉर्मोन्स भी बनेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं एंजाइम की, कि कौन कौन से एंजाइम अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। तो बात करेंगे अग्नाशय रस के एंजाइम, अग्नाशय रस। देखो अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, अग्नाशय रस के जो एंजाइम होंगे, पहला होता है हमारा एमाइलेज, जो लार में भी था यहां भी होता है। दूसरा नाम क्या होता है, टाइलिन। एक होता है हमारा ट्रिप्सिन, और एक क्या होता है हमारा, लाइपेज। ये क्या होता है, लाइपेज। देखो एमाइलेज के बारे में अभी पढ़ा था, किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो कौन करेगा, एमाइलेज। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। और लाइपेज किसका पाचन करता है, लिपिड का, फेट का, या आप बोल सकते हैं वसा का। तो एमाइलेज टाइलिन का काम क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। ट्रिप्सिन का काम क्या हो गया, प्रोटीन का पाचन करना। और लाइपेज जो है, देखो लाइपेज एज से पता चल रहा है, जो किसका पाचन करता है, लिपिड का, यानी कि फेट, या फिर क्या बोल सकते हैं, वसा का पाचन, ये सब करते हैं। अब देखो आपने कई एंजाइम पढ़ लिए प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, पेप्सिन पढ़ लिया, रेनिन पढ़ लिया, ट्रिप्सिन पढ़ लिया। अब देखो क्वेश्चन कैसे आया, एक क्वेश्चन पढ़ना, एक क्वेश्चन इस तरीके से आया एग्जाम में कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। क्वेश्चन क्या था, कौन सा एंजाइम किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा था रेनिन, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा था ट्रिप्सिन, एंड थर्ड ऑप्शन दे रखा था पेप्सिन, और फोर्थ ऑप्शन क्या था, प्रोटीएज। तो आप एक बार सोचेंगे इसके बारे में, फिर इसका आंसर देखेंगे कि एक ऐसा
एंजाइम बताओ जो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अब आप बोलेंगे कि आपको तो हमने यहाँ रेनिन के बारे में भी यही बताया कि किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। ट्रिप्सिन के बारे में भी यही बताया कि किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। और पेप्सिन के बारे में भी यही बताया कि किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। तो हम तीनों में से आंसर क्या देंगे, ये कन्फ्यूजन बन जाता है यहाँ पे। तो देखो इसके सॉल्यूशन के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि यहाँ देखो प्रोटीएज ये क्या है, एंजाइम जो किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन का। इसका मतलब ये वर्ड ये बताता है कि वो एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटीएज। तो आप रेनिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रोटीएज। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, फोर्थ वाला, ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में से फोर्थ। क्यों करेंगे, क्योंकि तीनों एंजाइमों को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटीएज। अगर आप फोर्थ आंसर कर रहे हैं तो रेनिन भी आ रहा है, ट्रिप्सिन भी आ रहा है और इसके साथ में क्या आ रहा है, पेप्सिन भी आ रहा है। तो ये बात थी हमारे अग्नाशय रस के एंजाइमों की। अब बात करते हैं हम अंतःस्रावी भाग की। देखो ये भाग है अंतःस्रावी वाला पैनक्रियाज का। इसमें तीन प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक अल्फा होती है, एक बीटा होती है और एक कौन सी होती है, डेल्टा होती है। ये जो अल्फा कोशिका होती है ये ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण करती है, कौन सा हार्मोन, ग्लूकागोन। बीटा जो कोशिकाएँ होती है ये इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है, कौन सा हार्मोन होगा, इंसुलिन। और इसके साथ में ये जो डेल्टा कोशिकाएँ होती है ये सोमेटो स्टेटिन हार्मोन का स्रावण करती है। तीन प्रकार की कोशिकाएं, अल्फा बीटा और इसके साथ में डेल्टा। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन और डेल्टा कोशिकाएं सोमेटो स्टेटिन हार्मोन। इन तीनों हार्मोन्स के अलग अलग काम होते हैं, ग्लूकागोन कुछ अलग काम करता है, इंसुलिन अलग करता है और सोमेटो स्टेटिन अलग करता है। तो देखो काम क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे इंसुलिन हार्मोन की। हमें पता है कि जैसे ही हम ग्लूकोज लेते हैं, क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ग्लूकोज ली और कम्प्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होती है उसको किस में चेंज कर लिया जाता है, ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन कहाँ संचित होता है, अभी अपन ने पढ़ा था लीवर यानी कि यकृत में। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलेगा, कौन सा हार्मोन बदलेगा, इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन का काम क्या हो गया, ग्लूकोज को किस में बदलना, ग्लाइकोजन में बदलना। अब क्या हो जाता है कि इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी होगी तो आपको पता है कि ग्लूकोज किस में चेंज नहीं हो पाएगा, ग्लाइकोजन में। और ब्लड में किसका लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज का, जिसको हम क्या बोल देते हैं, शुगर। क्या बोल देते हैं, शुगर रोग बोल देते हैं। अगर इंसुलिन की कमी से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल या शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो उस रोग को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। कौन सा रोग बोलेंगे, डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस रोग कौन सा होता है कि ऐसा रोग जिसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाती और ब्लड में किसका लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज का, और किसके कारण, इंसुलिन की कमी के कारण। और इसके उपचार के लिए बाहर से क्या दी जाती है, इंसुलिन की गोलियां या फिर इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। कृत्रिम जो इंसुलिन होती है उसको बोलते हैं ह्यूमुलिन। कृत्रिम जो इंसुलिन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमुलिन। ये कृत्रिम इंसुलिन है जो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, HM2 है अपनी, HM3 है अपनी, HM5 है। ये ह्यूमुलिन है अलग अलग प्रकार के जो बाहर से गोलियां या फिर इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है, जो किसकी पूर्ति करती है, इंसुलिन की, और किसके लेवल को कम करती है, शुगर के लेवल। बात करेंगे ग्लाइकोजन हार्मोन की। ये जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है, ग्लूकागोन हार्मोन, इसका काम क्या होता है, देखो इंसुलिन के जस्ट अपोजिट काम होता है। इंसुलिन क्या कर रहा था, ग्लूकोज को किस में चेंज कर रहा था, ग्लाइकोजन में। काम क्या था, ग्लूकोज को किस में चेंज करना, ग्लाइकोजन में। तो ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को किस में चेंज करता है, ग्लूकोज में। क्या काम होगा, ग्लाइकोजन को किस में चेंज करना, ग्लूकोज में। तो दोनों का काम एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करेगा और ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज में चेंज करेगा। तो दोनों हार्मोन एक दूसरे के क्या काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है कि हमारे जो छोटी आंत और बड़ी आंत होती है वहाँ पे अवशोषण की जो क्षमता है वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। और आपको पता है कि अवशोषण की क्षमता कम होगी तो जो मूत्र है, जो यूरिन है, वो क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। इस रोग को हम क्या बोल देते हैं, पोलीयूरिया, या फिर क्या बोल देते हैं, मूत्रलता।
ये कब होता है? जब अवशोषण की क्षमता क्या हो जाती है? कम. और किसकी वजह से होता है? जो हमारा हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन, और इसके साथ में एक हार्मोन होता है ADH, यानी कि एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन. इन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है? अवशोषण की क्षमता कम हो जाती है, जिसे यूरिन ज़्यादा बनती है, और उस रोग को क्या बोल देते हैं अपन? पोलीयूरिया. और इसको साइंस की भाषा में बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडस. डायबिटीज इंसिपिडस. तो डायबिटीज दो प्रकार की पड़ी, मेलिटस इंसुलिन के कारण होती है, और डायबिटीज इंसिपिडस सोमेटोस्टेटिन और ADH हार्मोन की कमी के कारण होती है, जिससे अवशोषण नहीं हो पाता. और अवशोषण नहीं होने से जो यूरिन बनता है वो अधिक मात्रा में बनता है, और मूत्रलता यानी कि पोलीयूरिया की कंडीशन आ जाती है. इसको हम क्या बोल देते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस. अब देखो, ये जो आमाशीय रस है और यहाँ पे जो लीवर का बाइल जूस है, ये कहाँ जाके काम करता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत. स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में. छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर. याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो आप कितना याद रखेंगे? 7.5 मीटर. यहाँ पे बाइल जूस और इसके साथ में पैनक्रियाटिक जूस दोनों काम करते हैं, और फूड का कंप्लीटली क्या करते हैं? डाइजेशन. तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि भोजन का पूर्ण पाचन कंप्लीटली डाइजेशन कौन से भाग में होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन. और डाइजेशन पाचन के बाद में सबसे ज्यादा अवशोषण भी कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में. तो भोजन का जो लास्ट में पाचन होता है, पूर्ण पाचन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. और इसके साथ में जो पचित पदार्थ है उनका सबसे ज़्यादा अवशोषण भी कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर जैसी संरचना पाई जाती है. जैसे ये कोई स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें इस तरीके की संरचना होती है फिंगर जैसी. इनको बोलते हैं हम विल्ली या सूक्ष्मांकुर. क्या बोलेंगे? विल्ली बोलेंगे या फिर सूक्ष्मांकुर बोलेंगे. इनका काम क्या होता है? छोटी आंत के, इंपॉर्टेंट है याद रखना, छोटी आंत के यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाना. अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाना. तो काम क्या हो गया इन विल्ली का? जो छोटी आंत है उसके अंदर किसी भी पदार्थ, जो पचित पदार्थ है, उनकी अवशोषण क्षेत्र को क्या कर देती है? बढ़ा देती है. उस संरचना को हम क्या बोलते हैं? विल्ली यानी सूक्ष्म अंकुर. तो देखो, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा जो लास्ट का जो कम्प्लीटली डाइजेशन होता है वो छोटी आंत में होता है, और सबसे ज़्यादा अवशोषण की क्रिया भी कहाँ होती है? छोटी आंत में. अब देखो, छोटी आंत में जो भोजन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? काइल. देखो, बोलस, बोलस कहाँ बना था? मुख में. काइम कहाँ बना? आमाशय में. और काइल कहाँ बन गया? छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में काइल, स्टमक में काइम, और मुख में क्या बोलेंगे? बोलस. तो तीनों टर्म आप याद रखेंगे. देखो, इसके बाद में बात आती है बड़ी आंत की. बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन, देखो, लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है, ये कितनी होती है? 1.5 मीटर. लार्ज जो इंटेस्टाइन होती है, इसके तीन भाग होते हैं. एक सिक्कम होता है, एक रेक्टम होता है, एक इलियम होता है. लेकिन एक ही भाग अपन बात करते हैं, वो होता है सिक्कम वाला भाग. ये सिक्कम वाला भाग छोटी आंत को किससे जोड़ता है? बड़ी आंत से. तो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन को बड़ी आंत से जोड़ने का काम कौन करता है? सिक्कम. और इस सिक्कम वाले भाग पे एक ऐसी संरचना पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्मी फोम अपेंडिक्स. वर्मी फोम अपेंडिक्स, या फिर बोल सकते हैं आप परिशेषिका. किस भाग से जुड़ी होती है? सिक्कम वाले भाग से. सिक्कम वाले भाग से परिशेषिका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होती है? जुड़ी होती है. और ये एक कैसा भाग है? अवशेषी अंग. देखो, जो पहले के जीव थे उनमें ये अंग की तरह काम करता था. क्यों? इसका काम क्या है? सेलुलोज का पाचन करना.
सेलुलोज का पाचन करती है। अब देखो हम सेलुलोज खाते ही नहीं है तो सेलुलोज का पाचन कहाँ से करेगी, इसी वजह से ये कैसा अंग बन गया, अवशेषी अंग। कई बार क्या होता है कि इसके अंदर फूड के कोई पार्टिकल चले जाने से इसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है और इसमें दर्द होने लग जाता है, जिसे अपन अपेंडिक्स डिजीज बोलते हैं, रोग बोलते हैं। यहाँ से डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस अपेंडिक्स को काट के हटा देते हैं और उससे ये क्या हो जाती है, हट जाती है, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। किसकी तरह काम कर रही है, अवशेषी अंग की तरह। अब देखो बड़ी आंत में क्या होता है कि जो हमारा वाटर होता है, जो पानी होता है, उसका अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। वाटर का जो अवशोषण होता है वो कहाँ होता है, बड़ी आंत में। जैसे ही संपूर्ण अवशोषण की क्रिया होती है उसके बाद में स्वांगीकरण की ट्रम आती है। स्वांगीकरण एसिमिलेशन में क्या किया जाता है कि अवशोषित भोजन को यूज में लिया जाता है, एनर्जी बनाई जाती है। उसके बाद में जो एक्सक्रेटरी जो सब्सटेंस बच जाते हैं, जो पदार्थ बच जाते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, बॉडी से बाहर थ्रू आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे से, बहुत ईजी सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। ओके, अगला जो हमारा वीडियो होगा वो इसी से अगले किसी टॉपिक के लिए होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल से जुड़े रहे, इसको लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।